नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आप सबके सामने कंप्यूटर ऑपरेटर जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो ओ लेवल के समकक्ष, कुछ बच्चों का जो डाउट था कि कौन कौन सा डिप्लोमा या डिग्री ओ लेवल के समकक्ष होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उससे पहले, चलने से पहले, सभी लोग जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने बच्चों को अंदर ये जागरूकता है देखने के लिए कि कौन सी डिग्री जो होती है ओ लेवल के समकक्ष होती है, कौन सी नहीं होती है, उनका क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ जो बच्चे एकदम डेडिकेटेड हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करने के लिए, तो संस्था के द्वारा बैच चलाया जा रहा है जो 699 का बैच है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसमें इनरोल हो जाओ क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और कोई छोटा कंप्यूटर नहीं है आपका। जो एक सिलेबस देखोगे तो अच्छा खासा ओ लेवल में जो जो टॉपिक होते हैं, जो जो सब्जेक्ट होते हैं, उसी को कवर किया गया है। तो ऑलमोस्ट मैं ही उसे पढ़ा रहा हूँ तो आप जान समझ सकते हो कि उसको पढ़ाने में एटलीस्ट 40 से 50 क्लासेस लग जाएगा। तो जितना लेट करोगे उतना नुकसान आपका होगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री होती है उस पर हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या आपके समकक्ष दिया गया है आयोग के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड है उसके द्वारा जो ASI की वैकेंसी आई थी उसी के साथ आपके नोटिफिकेशन में ये जो है अटैच किया गया था इस फाइल को। एक तरह से ये क्या है, FAQ टाइप का है और यही जो आपके ओ लेवल के समकक्ष चीजें हैं वो पूरे पूरे पुलिस बोर्ड में कहीं ना कहीं फॉलो होंगी। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर ने भी यही चीजें फॉलो होंगी। तो जो लोग 10+2 PCM के साथ हैं और ओ लेवल किए हैं तो वो अगर तब तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर PCM के साथ हैं और ओ लेवल की डिग्री नहीं किए हैं किसी कारणवश, और उनके पास जो इनमें से जो आपकी लिस्ट में से मैं जो बता रहा हूं, जो अगर डिग्री आपके पास है तो वो आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाओगे। ठीक है, लेकिन 10+2 PCM से होना चाहिए। ठीक है, कुछ कोर्सेज में आपका, जैसे आप BTech किए हो तो उसमें आपको 10+2, जाहिर सी बात है आपका अगर PCM से होगा तभी तो BTech कर पाओगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, जैसे सबसे पहले BSc के बारे में बोला है, बोल रहा है कि BSc में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष तक रहा है, परंतु डिग्री BSc की मिली है। ठीक है, 3 साल तक कंप्यूटर साइंस का अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, तीनों ईयर में, पहले दूसरे और तीसरे ईयर में, लेकिन आपकी जो डिग्री मिली है वो BSc की मिली है, सिंपल डिग्री मिली है, कोई ऑनर्स की डिग्री नहीं है कंप्यूटर साइंस की, तभी भी आप एलिजिबल हो। क्या बोल रहा है, BSc कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। ठीक है, यहां पे बोला BSc में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष तक रहा, क्योंकि ओ लेवल 1 साल का कोर्स होता है और आपने कंप्यूटर साइंस को 3 साल तक पढ़ा है, इसलिए आप उससे ऊपर हो तो समकक्ष होगे। ऊपर लिख दिया तो इसका मतलब समकक्ष नहीं कि समकक्ष होगा कि नहीं होगा, उसमें डाउट नहीं रहना है। जब उसके ऊपर है तो जाहिर सी बात है समकक्ष होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो BSc करने के लिए जाहिर सी बात है 10+2 में PCM तो आपका होना जरूरी है। BSc में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा, कब, लास्ट में, तथा डिग्री BSc की मिली है, तो क्या ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो इसने बोला हाँ, अगर कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक आपने पढ़ा है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स होता है, तो दोनों कोर्स एक दूसरे के क्या है, समकक्ष है। यहां पे लिखा समकक्ष है, ठीक है, और वहां क्या लिखा था कि ऊपर है, क्योंकि आपने 3 साल तक कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, यहां आपने एक ही साल लास्ट ईयर में पढ़ा है इसलिए लिखा समकक्ष है। ठीक है, तो ये भी वैलिड होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ BSc में, अगर आपने BCom में, ठीक है, आपने BA में, किसी में भी अगर आपने कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट 1 साल, ठीक, 1 ईयर या उससे ज्यादा, 1 साल या उससे ज्यादा अगर आपने पढ़ा हो, 3 साल में, अगर 3 साल अगर आप पढ़े हैं यही सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 या 3 साल, तो आप वैलिड कहलाएंगे, ओ लेवल के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। यहां सिर्फ इसलिए BSc दिया क्योंकि किसी का को FAQ रहा होगा कि BSc वाला स्टूडेंट रहा होगा तो उसने पूछा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब BSc के साथ आपने 1 साल कंप्यूटर पढ़ा या 3 साल कंप्यूटर पढ़ा है तो आप वैलिड हो, तो BA BCom के साथ भी आप वैलिड हो गए। देखो, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से पूछा, BSc में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है,
और डिग्री बीएससी की मिली है तो क्या एप्लीकेबल होंगे? तो यहां बोला बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, अगर आपने 3 साल तक पढ़ा है वो ओ लेवल से क्या है ऊपर है, तो आप जाहिर सी बात है आप ओ लेवल के समकक्ष हैं। और फिर पूछ रहा है कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है, चाहे अंतिम में हो चाहे शुरू हो किसी एक वर्ष में हो, मतलब एक साल अगर आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, सिंपल सी बात यह है, तो आप ओ लेवल के समकक्ष माने जाओगे, ठीक है। उसके बाद से बोला क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष होगा? ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो ओ लेवल के समकक्ष नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। कुछ बच्चे कहते हैं क्या ट्रिपल सी ओ लेवल के समकक्ष होगा, तो नहीं होगा, वो 6 महीने का कोर्स होता है। बीएससी आईटी की अगर डिग्री मिली है आपको, ठीक है, बीएससी आईटी की, यहां पर जैसे ये ऑनर्स की डिग्री होती है बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, ठीक है, बीएससी सीएस, अगर ये डिग्री मिली है तो ये ऊपर की डिग्री है ओ लेवल के, तो ये भी आप क्या होगे समकक्ष माने जाओगे ओ लेवल से। उसके बाद से बोला है क्या नीलेट से ट्रिपल सी ओ लेवल के समकक्ष है? सीसीए सर्टिफिकेट कोर्स इन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सीसीए के बारे में बोल रहा है, ट्रिपल सी के बारे में नहीं बोल रहा है। तो विल बी ए 6 मंथ ड्यूरेशन होता है, सीसीए भी ट्रिपल सी की तरह होता है, ये एप्लीकेशन में होता है। तो ये आपका क्या है 6 महीने का कोर्स है, तो ये कोर्स ओ लेवल के समकक्ष नहीं है क्योंकि ओ लेवल आपका 1 ईयर का होता है, ठीक। उसके बाद से बोला आईटीआई, इसके भी बच्चे काफी पूछते हैं, आईटीआई कोपा वाले जो होते हैं, आईटीआई 52 सप्ताह का कोर्स, कोपा कोर्स अगर आपने किया है, ठीक है, तब आप क्या 52 सप्ताह का कोर्स अगर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स किया है, मतलब जो कोपा बोला जाता है, तो वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। देखो साफ साफ लिखा है, अब वो आईटीआई आप कभी भी कर लो, ग्रेजुएशन के बाद कर लो, बाद में कर लो, आपने अगर कोपा का कोर्स किया है तो आप समकक्ष माने जाओगे, एकदम निश्चिंत रहिए। क्या एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फॉर्म आईआईटी, नाम ही लग गया आईआईटी, ओ लेवल के समकक्ष है? साफ साफ बोला एमएससी साइबर लॉ या सिक्योरिटी आईआईटी ओ लेवल से काफी उच्च डिग्री है, इसके कारण क्या है, ये उच्च डिग्री के होने के कारण क्या है मान्य है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो बहुत हाई डिग्री है और साइबर लॉ और सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो भी एमएससी, तो एमएससी सीएस, यहां कहीं क्वेश्चन एमएससी के बारे में नहीं आया है कि एमएससी सीएस वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं, तो आप ये मत सोचना कि इसमें लिखा नहीं है तो नहीं एलिजिबल होंगे सीएस और आईटी वाले, चाहे एमएससी में कहीं कोई कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होगा 1 साल तक तो वो एलिजिबल होगा कि नहीं, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल होगा, बस ये एफएक्यू है, इस चीज को ध्यान रखना। अगली बात यहां पे 10 नंबर पॉइंट पे आ जाओ, क्या ये उसी के लिए हो गया समकक्ष है कि नहीं। 11 नंबर, क्या किसी प्राइवेट, नहीं ये दूसरा है, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फॉर्म यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है? अच्छा, ये एक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल होता है, क्या वो ओ लेवल के समकक्ष है? यदि यह कोर्स 1 वर्ष तक के अवधि का है तो मान्य है, ठीक है। अगर आपने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स से ओ लेवल का कोर्स किया है और वो कोर्स 1 साल का है तो वो मान्य होगा। क्या किसी प्राइवेट संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष होगा? तो ये बात जरूर ध्यान रखना है कि काफी लोग सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं इधर उधर से कुछ भी, मेन यहां पर ध्यान रखने की बात है कि यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, ध्यान रखना यह बोर्ड लिखा है, फिर यूनिवर्सिटी, फिर यूजीसी, एआईसीटी, इग्नू, नीलेट, डोएक द्वारा निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। जैसे एडीसीए हुआ, डीसीए हुआ, तो ये जाहिर सी बात है कि जो बोर्ड लिखा है, कहीं ना कहीं जितने भी इंस्टीट्यूट खुले होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहां जो बोर्ड लिखा है ना, मेन ये डिपेंड करता है कि जो आपका इंस्टीट्यूट एडीसीए डीसीए का खुला है उस बोर्ड को गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, ये हमें भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता है। ये जब अभी एएसआई का डीवी पीएसटी होगा उसमें बोर्ड के पास लिस्ट होगी कि हम इस बोर्ड को जो है क्या देते हैं, मान्यता देते हैं कि भैया ये सर्टिफिकेशन कंप्यूटर का जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितने हर सिटी में हर गांव में चले जाओ कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं, एडीसीए डीसीए कोर्स कराने वाले हैं, तो सभी का मान्य नहीं होगा। उसके कुछ पर्टिकुलर एक मानदंड होंगे गवर्नमेंट के, जो उसको फॉलो करेगा उसी बोर्ड का मान्य होगा। ये अभी 100% किसी का सियोरिटी नहीं है कि कौन से वाले होंगे, खासकर जहां पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रोग्राम चल रहे हों
वो जरूर संस्था मान्य होगा, अगर वो वैलिड है तो। वहां का कोई कोर्स क्या हो गया है, ब्लैकलिस्टेड नहीं हो गया है तो। यूनिवर्सिटी से आपने किया हो या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से किया हो जो AICTC अप्रूव्ड है तो ऐसे ही मान्य होगा। कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे कोई आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां से आपने किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी को UGC से मान्यता प्राप्त होता है। तो अगर UGC और AICTC से कोई 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा किए हो, ठीक है, तो वो आप वैलिड हो गए ओ लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ADC या DCA। तो क्या किसी प्राइवेट संस्था से DOAP, DOMA और भी लिखा है, ADC, ADCA, ADC, HDC, SDC, TTDIP, DISA, DISM, DIT, DOB, DST, DTP, जितने भी आपके हैं यहां पर देखो कोर्स होते हैं 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर का, कंप्यूटर कोर्स जो होता है वो अगर आपने किया है। और वही बात यहां पर बोला है आयोग ने फिर से कि अगर आपने ये कोर्सेस किए हैं और कोर्सेस करने का जो आपका बोर्ड है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, देखो एक होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूट, चाहे आप कोचिंग खोलने जा रहे हो चाहे कुछ भी खोल रहे हो, तो आपको शिक्षा में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, तो रजिस्ट्रेशन अलग बात हो गई। एक होता है बोर्ड, जिस बोर्ड से आप डिग्री देते हो ना बच्चों को ADCA DCA की, वो बोर्ड गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है कि नहीं, ठीक है, ये जरूरी होता है कि अगर होगा तभी आपका जो है मान्य होगा, ठीक। अगर UGC NLETs और UG उससे किए हो तब तो आप कोई सोचना ही नहीं है। तो अगर आपने ये साल भर का, चाहे एक से ऊपर, 1 साल से ऊपर कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया है और वैलिड संस्था से किया है तो आप ओ लेवल के समकक्ष माने जाओगे। अगले पे आते हैं, क्या किसी प्राइवेट संस्था से ओ लेवल किया हुआ मान्य है, ठीक है। तो प्राइवेट संस्था से ओ लेवल, जैसे नीलेट और डोए को छोड़ दिया जाए, तो कुछ यूनिवर्सिटियां कराती हैं, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ बोर्ड कराते हैं, कुछ एनजीओस कराते हैं। तो अगर एनजीओस सेंट्रल गवर्नमेंट्स के या यूपी गवर्नमेंट्स के अगर ऐसे करा रहे हैं आपको, ठीक है, तो या आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस करा रहे हैं या आपके यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, तो वो आपका मान्य होगा, ठीक है। यहां बोला गया है कि यूनिवर्सिटी के तहत AICT या डीलेट या इग्नू, इग्नू से अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग क्यों ना किया हो तो वो क्या होगा, ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा, अगर किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या 1 वर्ष से ज्यादा है तो। 1 वर्ष से कम की कोई भी अवधि मान्य नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी प्राइवेट संस्था से OPGDCA ठीक किया हुआ मान्य है यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, AICTC या डोएक के द्वारा निर्गत है, तो किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष से या उससे अधिक है तो PGDCA के समकक्ष माना जा सकता है। यहां बोला कि जो ओ लेवल के जो PGDCA है कहीं किसी प्राइवेट संस्था से किया गया, क्या वो ओ लेवल के समकक्ष होगा, तो PGDCA ओ लेवल के समकक्ष होगा यदि आप किसी यूनिवर्सिटी से, किसी बोर्ड से जो आपके गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे जो भी AICTC या डोएक चाहे इग्नू से किया होगा तभी आपका मान्य होगा। क्या किसी प्राइवेट संस्था से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 0-3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। किसी भी प्राइवेट से 1 वर्ष से या उससे अधिक या 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष होगा। यहाँ पे फिर से वही चीज बोला है, किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICTC, इग्नू से अगर आपने किया है वो कोर्स, ठीक है, और आपके कोर्स की अवधि 1 साल से ज्यादा है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। यहां लिखता कैसे देखो, समकक्ष माना जा सकता है, ठीक, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बोर्ड को वेरीफाई करेगा, वो आपके यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करेगा, तभी जाके आपको वो करेगा, लेकिन आप फॉर्म भर देना अगर ऐसा कंडीशन होगा तो। क्या किसी प्राइवेट संस्था से 3 वर्ष का डिप्लोमा या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष मान्य है, तो उसने बोला, क्या बोला आयोग ने, कि यदि आपका यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से, किसी यूनिवर्सिटी से, UGC से या AICTC, इग्नू से, नीलेट से या डोएक द्वारा निर्गत है तथा उस उक्त डिप्लोमा डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तभी मान्य है। मतलब अगर आपने अगर पॉलिटेक्निक किया है तो पॉलिटेक्निक किस में, CS में डिप्लोमा किया हो, IT में किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो,
या इलेक्ट्रॉनिक्स के सब ब्रांच में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, तो आप क्या होगे, आप ओ लेवल के समकक्ष माने जाओगे। ठीक है, राष्ट्र कंप्यूटर साक्षरता मिशन से किया हुआ डिप्लोमा लेवल ओ लेवल के समकक्ष मान्य है। यदि आपका प्रमाण पत्र, फिर से बोला, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, AICTC या इग्नू या डोएक के द्वारा आपका मान्यता प्राप्त है और कोर्स आपकी अवधि एक वर्ष से या उससे ज्यादा की है, तब आप क्या माने जाओगे, समकक्ष माने जा सकते हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ जो एक बोर्ड बोल रहा है, यूनिवर्सिटी और UGC वाले, तो एकदम कंफर्म रहो। बोर्ड में अभी यह नहीं समझ में आता ना कि कौन सा बोर्ड, क्योंकि हर एक कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है, तो क्या वो बोर्ड गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है कि नहीं, मेन ये जानना जरूरी है। तो आप लोग ये जानना कि जब भी आप ADC या DCA कोर्स किए हो, चाहे कोई भी डिप्लोमा एक या एक दो साल से ज्यादा किए हो, तो उसे जानो कि आपकी जो डिग्री मिल रही है, जो आपको कोर्स सर्टिफिकेट मिलता है, वहां पे जो नाम लिखा होता है, क्या वो बोर्ड आपके गवर्नमेंट से ऑथराइज है कि नहीं है। ठीक है, बाकी वो इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, लेकिन बोर्ड अलग होता है। फिर बोल रहा है UGDCA, ये आपके BHU में भी चलता है, 3 साल का कोर्स होता है, कहीं कहीं 1 साल का होता है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। UGDCA UP इलेक्ट्रॉनिक्स 480 आवर्स, UP डेस्को से 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। यूपी डेस्को से 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है। उत्तर प्रदेश राज्य का उपक्रम होने तथा कोर्स की अवधि 1 वर्ष या अधिक होने पर ही मान्य होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो कुछ लोग UGDCA करते हैं BHU से, तो वो भी मान्य, वो 3 साल का कोर्स होता है, चाहे 2 साल का कोर्स होता है, तो वो मान्य होगा। क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? ठीक है, तो MCA BTEC के समकक्ष है, अतः ये 3 वर्ष डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। अब यहां देखो, जो डिप्लोमा वाला था, डिप्लोमा CS IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो मान्य है ही है, तो क्या BTEC मान्य है? हाँ, BTEC मान्य है भाई, जब डिप्लोमा मान्य है तो BTEC भी CS IT या इलेक्ट्रॉनिक्स आपका क्या है, एकदम वैलिड है। बाकी ब्रांच, कुछ बच्चे अब कहेंगे सर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब आएंगे। BTEC के वो ब्रांचेस जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, एज ए 1 ईयर तक, कब तक, 1 ईयर तक लगातार आपका सब्जेक्ट एज ए पढ़ा है, तो वो भी वैलिड माने जाएंगे। अगर आपने सेमेस्टर वाइज तोड़ दिया है, सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ा है, फिर जाके अगले एक गैप होने के बाद अगले सेमेस्टर में पढ़ा, तब आप मान्य नहीं होंगे। 1 ईयर लगातार आपका होना चाहिए, और फंडामेंटल मेन होता है जो ओ लेवल के कोर्स में, अगर वो आपने पढ़ा है तो आप वैलिड माने जाओगे। लेकिन इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, CS IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। क्या किसी बिना PCM, देखो यहां बोला PCM, अगर आपने पहला कंडीशन जो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, उसमें यह है कि आपका 10+2 क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए उसमें सब्जेक्ट। अगर ये आपने किया है और आपके पास ओ लेवल नहीं है, तब के लिए मैं ये बता रहा हूं। बाकी BTEC वाले तो जाहिर सी बात है, जो BTEC करेगा वो 10+2 उसका PCM से होगा। ठीक है, कुछ BCA भी होते हैं जो 10+2, कई यूनिवर्सिटियां मांगती हैं कि आपका PCM होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं नहीं मांगती है, तो उनके लिए ये जरूरी है कि अगर आपका 10+2 फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट है और आपने BCA चाहे MCA किया है, ठीक है, तो आप ओ लेवल के समकक्ष हो, उसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन आपने अगर 10+2 फिजिक्स और मैथ नहीं किया है और आपने BCA किया है चाहे MCA किया है, तब आपको दिक्कत हो सकती है, तब आप वैलिड नहीं होगे। PCB वाला बच्चा BCA या MCA किया हो, चाहे कॉमर्स वाला बच्चा BCA चाहे MCA किया हो, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा ओ लेवल के। ठीक है, वो ध्यान रखना, ओ लेवल के लिए तो वैलिड होगा, लेकिन इस कैटेगरी को वो फॉलो नहीं करेगा कि 10+2 फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, इस वजह से। बाकी तो वो ओ लेवल के लिए वैलिड है, MCA भी है, BCA भी है, BTEC CS IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो ये ध्यान रखना। तो इसीलिए बोला है कि बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा, जाहिर सी बात है वो पात्र होगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन इसकी पहली कंडीशन ही कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या है, कि 10+2 फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। ये ASI में कोई दिक्कत नहीं था, ASI में, क्योंकि उसने
टेन प्लस टू के लिए कोई वो नहीं मांगा था कि आपका मैथ से ही होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये यहां पर पॉइंट लिखा गया है। क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? बिना पीसीएम के और पीसीएम के है, तो बीसीए 3 वर्ष डिप्लोमा से ऊपर डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के बीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो यहां भी क्योंकि एएसआई से रिलेटेड है तो बीसीए के लिए बोला ना, तो यहां पर मैंने पहले कंडीशन बताया कि सीओ का पहला कंडीशन यह है कि 10+2 फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर अगला है ओ लेवल, तो ओ लेवल के समकक्ष आप बीसीए किए हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपका फिजिक्स और मैथ 10+2 में होना चाहिए। अगर नहीं है, आपने बीसीए किया है, तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। क्लियर एंड कट ये बात है, ठीक है। क्या किसी पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? यहां पे देखो पीजीडीसीए 3 वर्ष का डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं होगा, ठीक। अब यहां पर पीसीएम को वेटेज दिया जा रहा है कि बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं होगा। तो अगर आपने पीसीएम, एक तो पहला 10+CO में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर में 10+2 के लिए पीसीएम होना जरूरी है, अगर उसने पीसीएम करके पीजीडीसीए किए हो, ठीक है, तब तो आप वैलिड हो, तब तो आप वैलिड हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पीसीएम हो चाहे कॉमर्स करके पीजीडीसीए किया है ग्रेजुएशन के बाद, तब आपके साथ दिक्कत आएगी। अब यहां पे एएसआई वाले बच्चे कहेंगे कि सर एएसआई में तो ऐसी कंडीशन नहीं थी कि 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ जो आपकी वैकेंसियां थी वो कॉमर्स से रिलेटेड थी, तो बच्चा कहां 10+2 में कॉमर्स लिया है तो वो पीजीडीसीए कर रहा है, तो कैसे? ये तो बेतुकी बात हो गई। तो ये बेतुकी बात है और इसीलिए एफईक्यू जो है ये काफी कंफ्यूजिंग है, ये एएसआई में ही क्लियर करेंगे। वो लोग खुद ही बोले थे कि ये एएसआई में ही चीजें क्लियर होंगी, जब आपके अध्यक्ष बैठेंगे वही आपको ये क्लियरिफिकेशन दे सकते हैं, बाकी नोटिस में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा कि भैया आपने अकाउंटेंट का पोस्ट निकाला, अकाउंटेंट का बच्चा 10+2 में कॉमर्स नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? ऊपर से आप पीजी, अगर वो बच्चा पीजीडीसीए कर लिया तो क्या गुनाह कर लिया? नहीं कर लिया, तो आप पीसीएम क्यों मांग रहे हो? आखिर उसका भी तो 10+ यहां बोल रहा है क्या कि बिना पीसीएम का पीजीडीसीए कोई व्यक्ति पात्र नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहां बोला 3 वर्ष के नीचे की डिग्री है। अरे जब 10+2 उसने किया कॉमर्स से तो जाहिर सी बात है कि वो 10+2 पीसीएम के बराबर होगा, तो वो कंसीडर क्या करते हैं क्या नहीं वो आयोग देखेगा। उसके बाद से क्या किसी बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? यहां बोला ए लेवल 3 वर्ष का डिप्लोमा होता है, तो बिना पीसीएम क्या ए लेवल किया हुआ व्यक्ति क्या होगा? ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा, ठीक। लेकिन सीओ कंप्यूटर ऑपरेटर में देखो अलग बात है। अब यहां ये लिख दिया बिना पीसीएम के, तो खुश मत हो जाना, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की पहली आहर्ता ही जो है वो क्या है कि आपका 10+2 पीसीएम से होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक एवं उत्तर माध्यमिक तथा इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो साफ साफ बोला इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री 3 वर्ष डिप्लोमा से ऊपर है, अतः बिना पीसीएम के एमसीए और बीसीए डिग्री वाला व्यक्ति पात्र होगा। ओ लेवल की इक्विवेलेंट में बता रहा हूं, लेकिन सीओ में सबसे पहला कंडीशन जो लिखा गया वो लिखा गया 10+2 फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है और 10+2 फिजिक्स और मैथ के साथ है और ये डेफिनेट डिग्री है आपके पास जो मैं आज बता रहा हूं, तो आप ओ लेवल के समकक्ष माने जाओगे। इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय के साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या यह मान्य होगा? यदि यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से है तो कोर्स की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है तथा यदि प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी एआईसीटी इग्नू निलेट द्वारा निर्गत है तो मान्य होगा। इसने कहा कि अगर इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है, जैसे क्या होता कुछ लोग 6-7, अभी एक बच्चे ने मार्कशीट मुझे व्हाट्सएप किया 6-7-8 उसके में है शायद, वो फिजिक्स के थ्योरी में फेल है, ठीक है, तो उसके मार्कशीट में पास लिखा हुआ है लेकिन उसने फिजिक्स तो लिया ना, तो मेरे अनुसार ये होना चाहिए कि उसने अगर फिजिक्स लिया है तो जाहिर सी बात है वो सीओ का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। उसने फिजिक्स लिया, पास नहीं हो पाया थ्योरी में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके 5 ही सब्जेक्ट काउंट होते हैं लेकिन उसके मार्कशीट में फिजिक्स सब्जेक्ट डिपिक्ट किया गया, इसलिए वो क्या किया जाएगा 10+2 का अगर कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहे तो वो भर सकता है, उसे कोई जो है गलत नहीं कर सकता है। तो वही बोल रहा है कि भौतिक विज्ञान विषय नहीं है
लेकिन गणित विषय के साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। ठीक, मतलब उसने आपका फिजिक्स नहीं पढ़ा, मैथ पढ़ा है, ठीक, बाकी और सब्जेक्ट पढ़ा है और डिप्लोमा में एडमिशन लिया है 3 साल के कोर्स में, तो वो वैलिड माना जाएगा अगर इन मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से है तो, और डेफिनेट ट्रेड है तो, CSIT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ठीक, तो ये आपके समकक्ष जो आपके डिग्री है ओ लेवल के, कंफ्यूज ना होना, ओ लेवल के लिए मैंने बताया है। 12th के समकक्ष, अब कुछ लोग 12th के समकक्ष जोड़ने लगते हैं, लिखा होता है ना 10+2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका, फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके समकक्ष होना चाहिए, तो समकक्ष मतलब यह नहीं कि आप बीसी भी जोड़ लो चाहे कॉमर्स जोड़ लो। ठीक है, वहां पे साफ साफ लिखा है कि फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है वो ओ लेवल की कंडीशन है, तो ओ लेवल अगर नहीं आपके पास और इतने 24 पॉइंट जो मैंने बताया इनमें से कोई भी अहर्ता आप रखते हो तो आप ओ लेवल के समकक्ष हो। उसके बाद से जो एक और है इन दोनों को छोड़ के, कि अगर आपने बीटेक CSIT या इलेक्ट्रॉनिक्स किया है या 1 साल तक बीएससी में BSc CSIT या इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि बीटेक और बीएससी करने वाला बच्चा जाहिर सी बात है उसका 10+2 पीसीएम से होगा। ठीक है, अगर ऐसी डिग्री आपने रखा है, ठीक है, 10+2 मतलब BSc CSIT हो या BTEC CSIT या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे BSc भी इलेक्ट्रॉनिक्स से हो जो ऑनर्स की डिग्री मिलती है, तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो। ऊपर से यह भी है कि अगर आपने BSc किया है और 1 ही साल तक सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा है, CSIT का आपको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिली है, 1 साल भी कंप्यूटर पढ़ा है, तभी भी आप फॉर्म भर सकते हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर इसके बाद भी कोई आपके डाउट है जो नहीं क्लियर हो पा रहे हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो चीजें नहीं समझ में आ रहा है मैं अगले वीडियो में उसे समझाऊं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।